हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के न्यू जर्सी, न्यू फॉरेनर प्लेयर इप्सन मेलो, रोमेन फिलिपिटियोर, नेस्टर एल्पियास गुवाहाटी में आया है या नहीं, इन टॉपिक पर बात करूंगा। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की प्रैक्टिस शुरू हो गया है। शुरुआत में इंडियन प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, अब न्यू साइनिंग प्लेयर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के सभी फॉरेनर प्लेयर अभी तक नहीं आई है, केवल एक फॉरेनर प्लेयर माइकल जेबाको ही प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी फॉरेनर प्लेयर नॉर्थ ईस्ट पर आए है या नहीं, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट ने कोई वीडियो या फोटो जारी नहीं किया है। मुझे लगता है कि दुरान कप शुरू होने से पहले सभी फॉरेनर प्लेयर नॉर्थ ईस्ट पर आ जाएगा। हर कोई शायद यही सोच रहा होगा कि इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की जर्सी कैसे देखेगी, जर्सी नए होगी या वही रहेगी। जर्सी के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आने पर मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पहले ही 4 फॉरेनर प्लेयर को साइन कर लिया है। ब्राजीलियन स्ट्राइकर इप्सन मेलो, सेकेंड स्ट्राइकर नेस्टर एल्पियास, सेंटर बैक माइकल जेबाको और रोमेन फिलिपिटियो पहले से ही मौजूद है। ISL के नियम के मुताबिक एक टीम में 6 फॉरेनर प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 4 फॉरेनर प्लेयर को साइन किया है। 2 और खिलाड़ी बचे हैं। ISL और AFC नियम के अनुसार एक टीम को कम से कम एक एशियन खिलाड़ी को साइन करना होगा। गाइस, सुनने में आया है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का नंबर 5 फॉरेनर प्लेयर कोई एशियन खिलाड़ी होगा, जो सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन पर खेल सकते हैं। एशियन खिलाड़ी कौन हो सकता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यदि एशियन अटैकिंग मिडफील्डर को साइन करते हैं तो ब्रेट इनमून एक अच्छा विकल्प है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ISL टेस्टेड खिलाड़ी को साइन करना चाहिए। नंबर 6 फॉरेनर प्लेयर एक अटैकिंग मिडफील्डर होगा। अगर हम ISL टेस्टेड अटैकिंग मिडफील्डर के बारे में बात करते हैं तो कोई विकल्प है। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चाहे तो एडु ग्रासिया को साइन कर सकते हैं। एडु ग्रासिया एक सीनी क्लब के लिए खेल रहा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चाहे तो एडु ग्रासिया को साइन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प फेडेरिको गैलेगो है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फेडेरिको गैलेगो के बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग फेडेरिको गैलेगो के बारे में पहले से ही जानते हैं। फेडेरिको गैलेगो फिलहाल विदाउट क्लब है और गैलेगो का मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 1.6 करोड़ है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चाहे तो फेडेरिको गैलेगो को साइन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इंडियन प्लेयर को भी साइन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूरा क्लब सिर्फ फॉरेनर प्लेयर पर निर्भर नहीं कर सकते। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अच्छे भारतीय खिलाड़ी को भी साइन करना चाहिए। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय आय अहोम, वंदे मातरम।